वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, हम घोड़े की सवारी का आनंद लेते गए और मेरा कजन मुराद है वो गाना गाता गया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू Some of our neighbors we belong। वास्तव में हम वहीं थे जहाँ से हमारा संबंध था। We let the horse run as long as it felt like running, और हम घोड़े को उतनी तेज गति के साथ दौड़ाते गए जब तक कि ये अपनी स्पीड में नहीं आ गया। At last my cousin Murad said, अंत में मेरे कजन मुराद ने बोला, get down, कि तुम नीचे उतर जाओ। I want to ride alone, मैं घोड़े पर अकेला सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked, मैंने पूछा मेरे कजन मुराद से, आरम ने पूछा कि क्या तुम मेरे को भी अकेले घोड़े पर घुड़सवारी करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said, get down। लेकिन आगे से मुराद ने कहा कि ये तो घोड़े पर निर्भर करता है कि वो तुम्हें अकेला घोड़े पर बैठने दे, अपने ऊपर बैठने दे या नहीं, लेकिन अब तुम नीचे उतर जाओ, get down। The horse will let me ride, I said, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे घोड़े के ऊपर अपने ऊपर बैठने देगा, मैंने अपने आप को कहा। वी शैल सी ही सैड, लेकिन उसने कहा कि चलो देखते हैं कि घोड़ा तुम्हें घोड़े अपने ऊपर बैठने देता है या नहीं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद द हॉर्स, लेकिन उसने आगे से कहा कि मुझे पता है कि घोड़े को कैसे घोड़े पर बैठ के सवारी करनी आती है, तुम अभी बच्चे हो लेकिन मुझे घोड़े पर बैठ के उसको चलाना आता है। For the sake of your safety, he said, let us hope so। और वो ये आगे से कहता है मुराद कि तुम घोड़े पर चढ़ते हुए कहीं गिर ना जाओ, तुम सुरक्षित रहो और हम सोचते हैं कि तुम्हें घोड़ा बैठने देगा। Get down, अभी तो तुम नीचे उतर जाओ। All right, I said, मैंने कहा चलो ठीक है। But remember, you have got to let me try to ride alone, लेकिन मैंने उसको आगे से कहा कि तुमने मेरे को भी घोड़े के ऊपर अकेले चढ़ के देखने देना है। I got down and my cousin Murad kicked into his heel into the horse and shouted, Vezare। Vezare घोड़े का नाम है, run। तो मैंने घोड़े के मसल्स के अंदर है वो जोर से अपनी एड़ी मारी ताकि घोड़ा है वो दौड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर दे, और मैंने उसको आवाज़ लगाई, shouted, Vezare run, कि तुम दौड़ो, Vezare भागो। The horse stood on its hinge legs। हिंज होती है आगे वाली टांगे, जैसे घोड़ा है वो अपनी टांगे ऊपर कर रहा है। तो घोड़े ने, जैसे मैंने उसको कहा बेजारे, और उसको मैंने एडी से जोर से मारा उसकी एक प्रकार से छाती के अंदर, तो घोड़ा है वो चीखता है और स्नोटेड और वो खुराटे मारता है, अपनी अगली टांगों पर खड़ा हो जाता है। हिंज लेग्स होता है, आगे वाली टांगों पर ऐसे खड़े हो जाता है। एंड ब्रस्टेड इन टू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और उसने बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर स्पीड पकड़ ली, दौड़ लिया उसने। दैट वॉज द लवियस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और ये मेरे लिए, जब घोड़ा इतनी गति के अंदर है वो भागा जा रहा था और मैं उसमें उसके ऊपर बैठा जा रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात थी। मेरे लिए इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती थी। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मेरा कजन मुराद है वो घोड़े को दौड़ाता है जब तक कि वो सूखी घास तक, और जहां पर इरिगेशन डिचेस थे, तालाब थे, वहां तक नहीं पहुंच गया। क्रॉस द डिच, और वो उन तालाब को पार करता है, गड्ढों को पार करता है, डिच गड्ढे होते हैं। ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट बाद वापस आ जाता है, डिप्ड वेट, और वो गीला हुआ था, डिप्ड वेट। वेट द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज निकलने वाला था। नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड, आई सैड, मैंने कहा कि अब मेरी बारी है। टर्न मैंने बारी होता है, घोड़े पर चढ़ने की मेरी बारी है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन मुराद है वो घोड़े से उतर गया। राइड ही सैड, उसने कहा चलो तुम घोड़े की सवारी का आनंद लो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर ए मोमेंट, मैं घोड़े के ऊपर है वो बैठता हूँ थोड़े समय के लिए। The most awful fear imaginable, और मेरे को बड़ा ही डर लग रहा था। The horse didn't move, horse है वो, घोड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता डुलता। Kicked into his muscles, मेरे कजन मुराद ने बोला कि इसकी मसल्स होते हैं मांसपेशियां,
और घोड़े को जोर से, एक प्रकार से उसकी छाती में जोर से एड़ी से मारो। उसने कहा, माई कजन मराठ सैड, वट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन दी वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, और हमें इसको कहीं पर छुपाना है इससे पहले कि दूसरे लोग हैं वो उठें जागें, उससे पहले हमें तो इसे छुपाना भी है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के मसल्स के अंदर है वो जोर से ठोकर मारता हूँ। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, दोबारा से घोड़ा है वो एक प्रकार से स्नोट करता है, ठीक है, खुराटे से मारता है। एंड स्नोटेड, देन इट बिगेन टू रन, उसने भागना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो वट टू डू, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरन हेलेबियन। कहता है घोड़ा है वो वाइन होता है बेलें, जहां बेलें उगी हुई थी रोड की तरफ, उधर जाने की बजाय डिकरन हेलियन चला गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहां पर उसने बेलों के ऊपर से कूदना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और घोड़ा है वो 7 बेलों के ऊपर से छलांग मारता है इससे पहले कि मैं गिर जाऊं। देन आई कंटिन्यूड रनिंग, देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर घोड़ा है वो भाग जाता है। माई कजन मुराड केम रनिंग डाउन द रोड, इसी दौरान मेरा कजन मुराड है वो मेरे पास आ जाता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वो मुझे कहता है कि तुम्हें चोट लगी है या नहीं लगी इसके बारे में मुझे चिंता नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मैं तुम इस रास्ते पर जाओ और मैं इस रास्ते पर जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियरर, कहता है अगर तुम्हें घोड़ा है वो मिल जाए तो मैं तुम्हारे पास ही हूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न, हम दोनों हैं वो घोड़े को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मुराड वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच, और मुराड है वो जो तालाब थे गड्ढे जिसमें सिंचाई के लिए पानी खड़ा होता है, उधर जाता है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसको आधा घंटा लग गया हॉर्स को ढूंढने के अंदर। एंड ब्रिंग हिम बैक, वो घोड़े को वापस ले आता है। ऑल राइट ही सैड, उसने कहा ठीक है। ही सैट जम्प ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवोक नाउ, अवोक होता है जाग जाना, पूरे संसार के लोग हैं वो अब जाग गए हैं, गांव वाले जाग गए हैं। दैट विल वट विल वी डू, आई सैड, मैंने पूछा कि अब हमें क्या करना है। वेल ही सैड, उसने कहा वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, हम इसे वापस कर देते हैं, मालिक को वापस कर देते हैं, या फिर कल तक फिर छुपा देते हैं, कल फिर घोड़े की सवारी का मजा लेंगे। ही डिडेंट साउंड वरीड, मेरा जो कजन है वो मुराड है वो ज़्यादा चिंतित नहीं था। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम, और मुझे पता था कि वो घोड़े को छुपाएगा। एंड नॉट टेक हिम बैक, और वहाँ से नहीं लाएगा, नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो ऐसा नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड, मैंने पूछा कि हम इसको कहाँ पर छुपाएंगे। आई नो ए प्लेस ही सैड, उसने कहा आगे से मुराड ने कि मुझे एक स्थान का पता है जहाँ पर हम इसे छुपाएंगे। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई आस्क, आई सैड, मैंने पूछा कि तुम कितने समय से इस घोड़े को चुरा रहे हो। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, मुझे सूझा कि शायद ये मुराड है, ये बहुत पहले से ही इस घोड़े को चुरा 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 चुराए हुए था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली, और वो मेरे पास है, वो इसी मॉर्निंग है, वो आया था इसी सुबह पहली बार आया था। ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि वो भी जानता था कि मेरे को घोड़े की सवारी का कितना आनंद शौक चढ़ा हुआ है। एनी वे आई सैड, फिर भी मैंने कहा, हाउ लॉन्ग डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, फिर भी मैंने उससे पूछा कि तुम कितने समय से इस घोड़े के ऊपर है वो घुड़सवारी का आनंद ले रहे हो। नॉट अनटिल दिस मॉर्निंग ही सैड, लेकिन वो आगे से कहता है कि मैं पहली बार आज ही सुबह पहली बार आया हूँ। आर यू टेलिंग दी ट्रूथ, आई सैड, मैंने पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, वो कहता है कि नहीं। ही सैड, बट इफ वी आर फाउंड आउट, अगर हमें पता, अगर अगर ये चीज़ है वो किसी को पता लग जाती है, दैट वट आर यू टू से, आपको आगे से यही कहना है कि हमने पहले दिन ही घोड़ा आया है वो आज चुराया है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी ए लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से कोई व्यक्ति है वो झूठ बोले। आर यू नो इज दैट वी
स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, मैं यही चाहता हूँ कि आगे से आपने यही कहना है कि हमने घोड़े को पहली बार ही चुराया है. स्टूडेंट दिस इज योर स्टोरी, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन दी नेक्स्ट वीडियो.